लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवेन होगा, फिर उसको हमें सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। ठीक, तो सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा वो हम देख लेते हैं। एक तो हमारा बनेगा जनरल फॉर्म, उसे हम जनरल सॉल्यूशन नाम देंगे। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ODE। ठीक, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, और दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम अभी समझेंगे। ठीक, तो फॉर एग्जांपल सपोज dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, अब सपोज y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा? चेक कर लेते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करने पे यही बन जाएगा। तो हमारा ये इसका सॉल्यूशन होगा, तो 2x प्लस ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x आ गया। हाँ, ये तो इसका सॉल्यूशन है। सपोज y इज इक्वल टू, मेरा केवल एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ, क्या ये इसका सॉल्यूशन है? चेक कर लेते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x, ये भी सेम है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। एक और ले लेता हूँ, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या ये इसका सॉल्यूशन है? चेक कर लेते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x, ये 0 हो गया, बाई dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x, यानी 2x। तो ये भी सेम सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। यानी अगर मैं एक जनरली मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख लूँ, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू आ रहा है 2x, सी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। सो ये अगर मैं जनरली सी कांस्टेंट रख के मैंने इसको सॉल्यूशन माना, तो मेरा सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करने पे वो सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स dy ओवर dx इक्वल्स टू 2x आ रहा है। यानी ये मेरा जो था, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डैश इज इक्वल टू 2x। ठीक, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यानी c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या इसे हम पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक, तो अगर इसकी मैं बात करूं, ठीक है, अगर इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करना चाहूं, अगर इस सॉल्यूशन को मैं ग्राफ में दिखाना चाह रहा हूँ, तो अगर c इक्वल्स टू 0 हो सकता है, c इक्वल्स टू 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो c इक्वल्स टू 0 के लिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैसा बनेगा आपका? ये बनेगा पैराबोला। ठीक, अब सपोज मैंने क्या किया, c इक्वल्स टू 1 रख दिया। ठीक है, तो c इक्वल्स टू 1 के लिए
आपका कहाँ से बनेगा? ये आ जाएगा, ठीक है। सी इक्वल्स टू टू के लिए ये इस टाइप से मेरे माइनस वन, ठीक है, इस टाइप से मेरे फैन मिलिया, इस टाइप से मुझे फैमिली ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ सी के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन कर्व यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है, या इसे हम फैमिली ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्यूशन। ये एक्स एक्सिस है भाई, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन, ये तो हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन। नाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इफ वी चूज पर्टिकुलर वैल्यू फॉर सी इन जनरल इक्वेशन, जनरल या जनरल सॉल्यूशन, इन जनरल सॉल्यूशन वी गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द ओडी। इसी इक्वेशन को हम लेंगे, ठीक है। मेरा इक्वेशन था वाई डैश इज इक्वल टू 2x, ठीक। इसका सॉल्यूशन क्या था? जनरल सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन रादर हम इसको क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन या फैमिली ऑफ सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आ रहा था, ठीक है। इफ वी चूज c इक्वल टू सपोज 1 ले लेता हूं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक। यानी इसमें हम क्या करते हैं, c को एक कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं हम, यानी पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं। नेक्स्ट है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक। थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे हम। एन ODE, ठीक है, एन ODE विथ एन इनिशियल कंडीशन कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या IVP शॉर्ट में। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करूं, अगर y डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई गिवेन है विद कंडीशन एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, तो हम कहते हैं भाई ये मेरा IVP है, ठीक है, दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक। फॉर एग्जाम्पल y डैश इज इक्वल टू 2x वही है, ठीक है, एंड y 0 इक्वल्स टू सपोज 1, तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये मेरा इनिशियल कंडीशन है, तो हम इसको कहते हैं IVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सपोज मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का इक्वल्स टू 2x, सिंपल एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। सपोज इसको नंबर 1 दे देता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अब मैं कह रहा हूँ लेट सपोज सॉल्यूशन ऑफ 1 इज
मान लिया इसका जो सॉल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी फॉर्म का होगा, ठीक है, मान लिया हमने कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो मान तो लिया, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये इसी का सॉल्यूशन है, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन तो कैसे होगा? अब देखिए, या तो हम क्या करेंगे, इसको बाय सॉल्यूशन या बाय इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करके ये निकाल लेंगे, ठीक है, या इसका यूज करके हम, ठीक है, ये निकाल लेंगे, ठीक है, या इसको एक बार डिफरेंशिएट करके इसमें रख के सेटिस्फाई करा लेंगे, सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इसी का सॉल्यूशन है तो इसको पक्का सेटिस्फाई करेगा, ठीक, यानी ये जो सॉल्यूशन है यहीं से निकला हुआ है, ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो अब वाई आप गिवन है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है, क्या हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ है वाई का, तो सीधी सी बात है हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, सेकेंड इक्वेशन को। तो मैंने क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स 2x, और ये c का क्या होगा, कुछ c कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, मेरा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2x आ गया, इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी इज सॉल्यूशन ऑफ 1, तो ये मेरा वेरीफाइड हो गया, ठीक। तो ये तो था वेरिफिकेशन। अब एग्जाम्पल टू, सपोज एक क्वेश्चन गिवेन है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 1 का, सो दैट y इक्वल्स टू c अपॉन x इज सॉल्यूशन ऑफ ODE 1, तो इसको मैं 1 डाल देता हूँ, ठीक, इस वाले इक्वेशन को, तो सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो हमें इस सॉल्यूशन को फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, टू इसको नंबर डाल दें, इसको भी एक नंबर डाल दो आप, टू, ठीक है, इस पूरे सॉल्यूशन को हमने एक नंबर डाल दिया है टू, और इसको जैसे मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंपल डिफरेंशिएशन। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स वाई डैश इक्वल टू माइनस वाई है, और मुझे गिवन क्या है, सी अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो मल्टीप्लाइंग बाय एक्स ऑन बोथ साइड, तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस सी इंटू एक्स हो जाएगा, और एक एक्स से एक्स कैंसिल तो अपॉन में एक्स आ जाएगा, तो ये एक्स, ये वाई डैश इक्वल टू माइनस सी अपॉन वाई की वैल्यू बाय टू वाई है बाय टू, यूज टू को हमने यूज किया, सी बाय एक्स की वैल्यू वाई है तो सी अपॉन एक्स की जगह वाई रख दिया, तो ये तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स इज सॉल्यूशन
सॉल्यूशन ऑफ वन, तो ये भी वेरीफाइड। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन आपको गिवन है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है तो आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो। एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए वेरीफाई वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस सी इज सॉल्यूशन ऑफ वाई इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये आपको वेरीफाई करना है, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है सॉल्यूशन में, y को एक बार डिफरेंशिएट कर देना, फिर इसका फॉर्मेट देख लेना, ठीक है, फिर जो भी फार्मूला है टेन स्क्वायर थीटा वाला वो आप अप्लाई करके ये आ जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले अब ODE को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हुए उसका टाइप उसका फॉर्म देखते हुए हम उसमें अप्लाई करते हैं। जैसे कुछ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के होंगे, ठीक है, कुछ हो सकते हैं सेकंड ऑर्डर का हो, ठीक, कुछ होंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले होंगे। तो जिस टाइप का भी फॉर्मेट आएगा हम उन सबको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग मेथड होंगे। सबसे पहले आएगा मेथड वन और इसको नाम दे देंगे हम डायरेक्ट मेथड या इसी को हम नाम दे देंगे मेथड बाय इंटीग्रेशन। इसमें क्या करेंगे हम, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे, सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन है वही वाला ले लेते हैं, y डैश इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इसके सॉल्यूशन में डायरेक्ट बाय इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, जो भी करेंगे हम दोनों साइड करेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, वाई डैश का मतलब यही है, और डी एक्स और ये टू एक्स टू डी एक्स, तो हमने ये लिखा इंटीग्रेशन डी वाई ओवर डी एक्स dx equals to integrate 2x dx, ठीक। अब dy upon dx into dx को हम लिख सकते हैं integrate dy, ठीक है, और ये 2 बाहर ले लेते हैं x dx, 2 constant है बाहर। अब इसके equal में क्या आ जाएगा मेरा y आ जाएगा, और ये 2 x का integration x square upon 2 प्लस ये मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। देख लो, ध्यान रखना यहाँ पे 1 इंटू डी वाई होगा तो हमेशा y आएगा, अगर 1 इंटू डी एक्स होगा तो x आएगा, ठीक है। इस टाइप से x प्लस सी या कांस्टेंट भी आएगा, तो हमने एक ही कांस्टेंट लिखा है यहाँ पे c, ठीक, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट या कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट भी हमेशा कांस्टेंट ही होता है, तो हमने एक कांस्टेंट लिख लिया तो ये सफिशियंट है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। सपोज y डैश इज इक्वल टू, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, e टू द पावर 2x एंड y जीरो इक्वल्स टू सपोज 1, यानी ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, बाय इंटीग्रेशन, तो सॉल्यूशन ये सिंपल टाइप का है, तो बाय इंटीग्रेटिंग
on both sides. Y with respect to x ही होगा, ठीक? ये क्या हो गया? मेरा dy over dx, dx is equal to e to the power 2x dx, ठीक? ये तो मेरा हो गया dy और ये मेरा हो गया e to the power 2x dx. अब देखो यहाँ e to the power, हमें ये पता होता है e to the power x is equal to e to the power x dx का जो इंटीग्रेशन होता है ex plus c होता है, लेकिन e to the power 2x जिस जब भी आए हमें इसे एक वेरिएबल पे चेंज करना होता है. लेट 2x is equal to t, तो x is equal to t by 2, तो dx is equal to 1 by 2 तो यही dt. तो अब इसमें यूज कर लेते हैं, ये और लिखना ना भूले, और dy का तो y हो गया, ये मेरा आ गया e to the power t और dx की जगह dt upon 2, y is equal to 1 by 2 e to the power t plus c, that is y equals to 1 by 2, t की वैल्यू रख देंगे. अब t की वैल्यू हमने माने थी 2x plus c. तो ये तो आपका एक सॉल्यूशन आया, ठीक है? इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन. अब देखिए इनिशियल कंडीशन गिवन है, सिंस इनिशियल कंडीशन इक्वल टू y0 इज इक्वल टू 1, तो इम्पोज करना पड़ेगा हमें सॉल्यूशन पे, ठीक है? तो क्या आ रहा है, ये y 0 होने पे ये 1 है, यानी x 0 पे y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 1 जब वेन 2 इंटू 0 e टू द पावर 0 c, तो c इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय 2, दैट इज 1 बाय 2, दियर फोर y इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 e टू द पावर 2x, या इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 बाय 2 1 प्लस e टू द पावर 2x. तो इसको कहते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक? जहां पे कांस्टेंट आ रहा है सी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, और जहां पे वो रिमूव हो रहा है उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक? इस टाइप से हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे. सेकंड मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, ठीक? ओडी सॉल्व करने के लिए सेकंड मेथड है वेरिएबल सेपरेबल. इसमें हम क्या करते हैं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से गिवन हो, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी वाई, अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन हो, तो हमें क्या करना है, इसमें जी वाई डी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स, ऐसे हमें फंक्शन को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक? यानी फंक्शन ऑफ वाई को हम डी वाई के साथ लिख लेंगे और फंक्शन ऑफ एक्स को हम डी एक्स के साथ लिख लेंगे, देन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट जी वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी. तो इस टाइप से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे. सेकंड मेथड चल रहा है अभी, मेथड टू वेरिएबल सेपरेबल. अब इसका भी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम, ठीक है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई, ठीक?
ये मेरा एक इक्वेशन है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा सॉल्व ओडी, ठीक। तो कैसे सॉल्व होगा ये, अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स है, वाई वाले वाई की जगह वाई के साथ लिख लेंगे, है ना, वाई और एक्स का टर्म है, तो डी वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स डी एक्स, ठीक। अब डायरेक्ट ऑन इंटीग्रेटिंग, तो आपने क्या किया, दोनों इंटीग्रेट किया, पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, टू कांस्टेंट पावर लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये आ गया। तो ये क्या हो गया भाई, लॉग वाई हो गया, माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैं अब कांस्टेंट है तो मैं लॉग सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये अच्छा दिखाने के लिए होता है। आप डायरेक्ट सी भी रख सकते हो, ठीक है, अगर वह यहाँ पे लॉग वाई आ रहा है तो हम कांस्टेंट लॉग सी लिख सकते हैं, लिखते हैं जनरली, क्योंकि हमें यहाँ पे सॉल्यूशन अच्छा दिखाना होता है, बस इतना सा है। तो लॉग वाई माइनस लॉग सी इक्वस टू, ये टू टू कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज। अब लॉग के थोड़ा फार्मूले जो होते हैं वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लॉग वाई माइनस लॉग सी होता है लॉग वाई अपॉन सी, ठीक। तो अब ये हो गया, अब टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, ये अगर लॉग लिखा है, ठीक है, बेस में कुछ नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है वो ई होगा, ठीक है। तो जैसे ही एक्सपोनेंशियल लिया तो वाई अपॉन सी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एक सॉल्यूशन आया, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ लॉग की प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई, लेकिन लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो लॉग एक्स अपॉन वाई, और ई टू द पावर लॉग बेस ही है एक्स, जब भी आएगा वो आप लिख लेना एक्स, ठीक, इस टाइप से। इतनी प्रॉपर्टी बहुत काफ़ी है, इतना यूज हो जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। एक अनदर एग्जांपल करते हैं, सपोज ये एग्जांपल वन है, टू एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो सॉल्यूशन देखिए, डी वाई ओवर डी एक्स वेरिएबल सेपरेबल है, ये वाई का केवल यहाँ पे गिवेन है, वाई का फंक्शन है यहाँ पे वन प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस वाई स्क्वायर या और डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक हो गया। अब आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग, मैं तो यहीं पे लिखता हूँ, ठीक। जैसे ही मैंने इंटीग्रेट किया, ये डी वाई वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग डी एक्स, ये तो हो गया टेन इनवर्स वाई, और ये मेरा हो गया एक्स, और ये मेरा एक कांस्टेंट आएगा सी, दैट इज वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस सी। तो ये मेरा एक जनरल सॉल्यूशन।